नमस्कार, मैं प्रीति मिश्रा आपका ऑल इंडिया नेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रामेश्वर कैफे में हुए ब्लास्ट को राहुल गांधी के कर्नाटक सरकार ने आपसी कलह बताया था। अब आतंकियों के कबूलनामे में राहुल गांधी को उल्टा फंसा दिया है। आपने अक्सर इस्लामी आतंकियों के बचाव में लिबरलों को ये तर्क देते हुए सुना होगा कि वो ये सब शिक्षा की कमी के कारण करते हैं। लिबरलों के मुताबिक मुस्लिम युवकों को देश में सही तालीम नहीं मिल पाती, इसलिए वो कट्टरपंथी संगठनों के बरगलाने पर कट्टरपंथ का रास्ता चुनकर आतंकी बन जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या सच में ऐसी है जैसी हमें इतने सालों से लिबरल गिरोह के लोग दिखाना और समझाना चाहते हैं, या फिर जमीनी सच्चाई कुछ और है? अभी हाल में रामेश्वर कैफे ब्लास्ट का मामला लेते हैं। NIA ने बम धमाके में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की है, उनमें एक आंध्र प्रदेश जिले का रिटायर्ड हेडमास्टर अब्दुल और उसका बेटा, उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा सोहेल भी है। सोहेल को लेकर कहा जा रहा है कि वो इस हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन से संपर्क में था। इसके अलावा दो डॉक्टरों के ठिकाने पर भी रेड पड़ी है। ये दोनों ही प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें बिना पढ़ाई लिखाई किए कोई नहीं घुस सकता। फिर जवाब क्या है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? शिक्षा की कमी के कारण या नौकरी ना मिलने की वजह से? चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश में काम कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर सहायता राशि देकर हमें और हमारे चैनल को सशक्त बनाएं। चलिए, अब आपको पूरी खबर क्यों ले चलते हैं। लिबरलों ने सालों से इस्लामी आतंकियों के छवि निर्माण के लिए जो भूमिका बनाई थी, वो अब आए दिन इसलिए ध्वस्त हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया के कारण लोगों को पता चलने लगा है कि जिन आतंकियों का प्रोफेशन बताकर, परिवार की दुर्दशा बताकर संवेदना बटोरी जा रही है, वो असल में किस खतरनाक मानसिकता के साथ पोषित होते हैं। बात सिर्फ रामेश्वर ब्लास्ट की नहीं है। आप याद करिए, कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूरा टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। आतंकियों को पकड़कर उनकी लिस्ट बनाना शुरू हुई तो प्रोफेशन वाले कॉलम में किसी के आगे प्रोफेसर लिखा जा रहा था, तो किसी के आगे PhD स्कॉलर, तो किसी के में इंजीनियर। इसी तरह जब मध्य प्रदेश पुलिस की आतंक निरोधी दस्ते ने हिजब-उत-तहरीर आतंकी संगठन पर कार्रवाई की थी, तो अलग अलग जगह से ताबड़तोड़ आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। छानबीन में पता चला कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों में कंप्यूटर इंजीनियर, टेक्सीनियन, टीचर, व्यवसायी, जिम ट्रेनर, कोचिंग सेंटर संचालक, ऑटो ड्राइवर, दर्जी आदि शामिल थे। इसी तरह 2021 में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के 12 आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इनमें से कई आतंकी इंजीनियरिंग के छात्र थे। छानबीन में सबका कनेक्शन आतंकी संगठन मुजाहिदीन से पाया गया था। वहीं इनके पास से आधुनिक गैजेट्स जैसे लैपटॉप, फोन, पेन ड्राइव आदि सब बरामद हुए थे। पूछताछ में ये भी बताया गया था कि ये लोग अपने संगठन से लोगों को जोड़ उन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग भी देते थे। 2022 में हुए गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी याद है क्या? PAC जवानों को धारदार हथियार से घायल करके मंदिर में घुसने जा रहा था और रोके जाने पर अल्लाहु अकबर का नारा चिल्ला रहा था। छानबीन में सामने आया कि उस मुर्तजा अब्बासी ने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई थी। ये मुर्तजा अब्बासी या सोहेल कोई 1, 2, 3 या 10 उदाहरण नहीं है। ऐसे तमाम कट्टरपंथियों की लिस्ट है जिनका उद्देश्य पढ़ लिख कर भी सिर्फ जिहाद करना और काफिरों को मारना तक रहा है। इसी का उदाहरण है कि आज आतंकियों के आतंक करने का तरीका सिर्फ घुसकर गोलीबारी या बमबारी करना नहीं रह गया। ये लोग अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके अपने आतंक के तरीकों को अपग्रेड करते हैं। जैसे कुछ समय पहले खबर आई थी कि भारत में इस्लामिक स्टेट रोबोट से आतंकी हमले की साजिश रच रहा था और इसके लिए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ISIS ने मुस्लिम युवाओं को रोबोटिक्स की पढ़ाई करने के हुक्म दिए थे। अब जो कट्टरपंथी इस्लामी ISIS की विचारधारा से प्रभावित होगा, तो क्या वो इस हुक्म का पालन नहीं करता होगा? करता और किया भी। जानकारी के अनुसार ISIS के
मकसद को पूरा करने के लिए माज मुनीर अहमद, सैयद यासीन, रिशान या रिशान थाजुद्दीन शेख, माजिन अब्दुल रहमान और नदीम अहमद नाम ने रोबोटिक्स कोर्स स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए बी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी। ये पूरा खुलासा राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के सप्लीमेंट्री चार्जशीट ने किया था। मालूम हो कि जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने के काम सिर्फ भारत के पढ़े लिखे कट्टरपंथी नहीं शामिल हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यही हाल है। अमेरिका में 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन के बारे में मीडिया बताता है कि वो अच्छे बिजनेसमैन परिवार से था और इंजीनियर था। जाहिर है उसके पास न पैसे की कमी थी न शिक्षा की, फिर भी वो कुख्यात आतंकी संगठन का सरगना बना क्योंकि उसके जहन में कट्टरपंथ घुस गया था। उसे तालीम लेकर अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना था, बल्कि उसे मजहब के नाम पर जिहाद करना था और उसकी इसी सोच ने अमेरिकी के 3 टावर्स और पेंटागन पर हमला कराया जिसमें 3,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। यह हमला सबसे बड़े आतंकी हमलों में गिना जाता है, मगर बावजूद ऐसी तमाम घटनाओं के ISIS के में शामिल होने के लिए युवक अमेरिका ब्रिटेन से पढ़कर जाते हैं और वहां उनके लिए आत्मघाती ड्रोन बनाते हैं, ऐसी तकनीक सिखाते हैं जिससे दहशत बड़े पैमाने पर फैल सके और खुद आतंकी बन जाते हैं। इतनी लंबी लिस्ट होने के बावजूद ये मीडिया गिरोह के लोगों द्वारा आतंकियों के प्रोफेशन का महिमा मंडल चलता रहता है। कभी बुरहान वानी के अब्बा के हेडमास्टर होने की बात जनता को बताकर ये संवेदनाएं बटोरते हैं, तो कभी आतंकी जाकिर मूसा के बाइक, सिगरेट्स, हेयर स्टाइल, डिओड्रेंट्स, जूते पर फिदा हो जाते हैं। उसके बाद प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करने का एकमात्र तरीका शिक्षा है, जबकि हकीकत तो ये है कि कट्टरपंथ से लड़ने के लिए हम जिस शिक्षा को अंतिम उपाय मान रहे हैं, कट्टरपंथी उसी शिक्षा का उपयोग करके आतंकी बन रहे हैं और आतंकी संगठनों को मजबूत बना रहे हैं। ऊपर इतने उदाहरणों का जिक्र है इसलिए है ताकि समझ में आ सके कि आज के समय में सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया का सारा फोकस कट्टरपंथ मिटाने पर होना चाहिए। इसी कट्टरपंथ के चलते छोटे छोटे बच्चों को बरगलाकर पहले पत्थरबाज बनाया जाता है, फिर बंदूक थमाकर आतंकी, और इसी कट्टरपंथ के चलते कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों का ब्रेन वॉश होता है और वो आतंकी संगठनों के कमांडर बनने लगते हैं। उनके लिए शिक्षा का अर्थ समाज में पहचान बनाना नहीं होता बल्कि देश और दुनिया से काफिरों का खात्मा होता है। आपसे अनुरोध है कि देश में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमें फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर सहायता राशि देकर हमें और हमारे चैनल को सशक्त बनाएं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।